Hello student, and welcome to all of you in class 9th. मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतना ही आपको क्यूरियस भी बनाता है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स का. तो आज हम लोग फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास करेंगे. बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि रियल में फिजिक्स है क्या. अब तक आप लोग पिछले क्लासेस में जो भी पढ़ रहे थे साइंस के रूप में पढ़ रहे थे, और साइंस में आपने तीनों पार्ट की स्टडी की थी, यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की. लेकिन अब क्लास 9th में आपको सेपरेट जानना है. तो फिजिक्स क्या है इसको समझने के पहले मैं आपसे दो तीन बेसिक बातों को डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ सवालों को पूछना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहां से लखनऊ तक का डिस्टेंस कितना है या लेंथ कितनी है, यानी कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच का लेंथ कितना है, तो आप कहोगे कि सर लगभग 250 किलोमीटर के करीब. दूसरा, मैं ये पूछता हूं कि इंडिया ने फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने साल पहले जीता था, तो आप कहेंगे सर वही 1983, मतलब 37 इयर्स एगो. मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके बैग का मास कितना होगा, तो आप कहेंगे लगभग सर 4 to 5 केजी के बीच में. चलिए अब आप आगे इस बात को समझिए, फिजिक्स क्या है उसको पहले हम लोग यहां पे समझते हैं. इन सवालों का जो मैंने अभी पूछा आपसे उसका अभी यहां पे यूज होगा. फिजिक्स यानी कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना व्हिच एग्जिस्ट इन आवर नेचर. यानी कि वो सारे नेचुरल फिनोमिना जिनकी स्टडी हम लोग करते हैं जिस ब्रांच में साइंस के, उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं. तो फिजिक्स का ओरिजिन क्या है. जनरली ये कहा गया कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रोथ कर रही थी, यानी कि लाखों साल पहले की बात है, जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड हुए यानी अर्ली ह्यूमन, वैसे ही वैसे वैसे फिजिक्स का भी ग्रोथ हुआ. यानी फिजिक्स के लिए मैंने कहा कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना. लेकिन फिजिक्स का ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हो सकता है. लॉर्ड कैल्विन जो कि एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट. चलिए मैं इसको जस्टिफाई करता हूं कि फिजिक्स मेजरमेंट का साइंस कैसे है. और मेजरमेंट है क्या, ये मेजरमेंट की ही जरूरत थी जहां पे फिजिक्स की शुरुआत हुई थी. जैसे मैंने अभी आपसे जो सवाल पूछा था, आपसे ये कहा गया कि 250 किलोमीटर क्या था, तो आपने कहा सर गोरखपुर से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस, मतलब 250 किलोमीटर आपने क्या बताया. तो सर ये लेंथ का मेजरमेंट था गोरखपुर और लखनऊ के बीच में. आपसे कहा गया कि 37 इयर्स जो था जब इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था वो क्या था. आपने कहा सर ये टाइम की बात कर रहा था, टाइम का मेजरमेंट था. इसी तरीके से मास के लिए भी मैंने कहा था. तो फिजिक्स बेसिकली मेजरमेंट का एक साइंस है. लेकिन बात यह है कि क्या मेजरमेंट हम किसी भी चीज का कर सकते हैं. हाथी घोड़े का तो मेजरमेंट मुझे करना नहीं है, तो फिर मेजरमेंट किसका करेंगे. अब यहां से शुरुआत होती है फिजिकल क्वांटिटी की. वो सारे क्वांटिटी जो मेजरेबल हैं, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे लेंथ, यानी कि हम गोरखपुर से लखनऊ के बीच के लेंथ की बात कर रहे थे, जैसे टाइम, जैसे मास, जैसे फोर्स एक्सेट्रा. यानी वो सारे क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल होता है उन्हें हम PQ यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स को हम लोग साइंस ऑफ मेजरमेंट क्यों कह रहे हैं. एंड एग्जैक्टली आगे आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ने वाले हो आगे के क्लास में, रियल में आप मेजरमेंट ही कर रहे होते हैं. इस सवाल को हम यही छोड़ते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन मैं आपको यहां पे एक और सवाल दे रहा हूं कि अगर लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से मैं आगे भी कहूं तो वर्क, ये सब आपके फिजिकल क्वांटिटी में है क्योंकि इनका मेजरमेंट पॉसिबल है. आपने बेसिक इन सारे टर्म्स का नाम जरूर सुना होगा. लेकिन मैं यहां पे ये पूछना चाहता हूं कि क्या लाइट, साउंड, ये भी आपके PQ के एग्जांपल हैं. PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटी क्या था. फिजिकल क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनको मेजर किया जा सकता है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो क्या ये लाइट, साउंड भी आपके फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है. अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है, ये आप सोचेंगे. इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा.
अब बात आती है कि पी क्यू कितने टाइप्स के होते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए किसी क्लास में बच्चों के नेचर के बारे में बात किया जा रहा है, बच्चों पे स्टडी की गई, देखा गया कि कुछ बच्चे इस तरीके थे जो पढ़ने में अच्छे थे लेकिन काफी शांत थे, और कुछ बच्चों का ग्रुप ऐसा था जो पढ़ने में अच्छे तो थे लेकिन बहुत शरारती थे। तो पीक्यू को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। अब पीक्यू जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो एक क्वांटिटी स्केलर होती है, दूसरी वेक्टर होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या है आपने जरूर बेसिक पढ़ा होगा, वो सारे पीक्यू जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, लाइक मास लाइक लेंथ, इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। अब इसका रियल मीनिंग क्या है अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी कि अ क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप फोर्स की बात कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आइए मैं इसको एक कहानी के थ्रू समझा रहा हूं। सपोज करिए दो फ्रेंड थे, दो फ्रेंड का नाम मैं ए और बी मान लेता हूं, एक फ्रेंड ए है और एक फ्रेंड आपका बी है। ए फ्रेंड आपका काफी गरीबी में जी रहा था और बी फ्रेंड काफी धनी था। एक दिन क्या हुआ कि फ्रेंड बी ने अपने फ्रेंड ए को खजाने की बात बताई। उसने कहा कि याद करो एक बड़ा सा पेड़ था बाग में जहां पे हम लोग खेलते थे, वहां पे जब तुम जाओगे तो बाग से 10 मीटर की दूरी पे 4 मीटर गड्ढा खोदोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा और तुम काफी धनी हो जाओगे। फ्रेंड ए ने जब ये बात सुनी जो कि फ्रेंड बी के द्वारा कहा गया था, उसे बड़ी खुशी हुई, फावड़ा लिया और चला गया। अब आइए इसको समझते हैं। सपोज करिए ये वो पेड़ था और इस पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे इसे 4 मीटर गहरा गड्ढा खोदना था, तो 10 मीटर तो आपका चारों डायरेक्शन में हो सकता है। यहां इस पर्टिकुलर पेड़ से 10 मीटर दूरी पे 4 मीटर गहरा गड्ढा खोदना था। अब ये परेशान पहले इधर जाके 10 मीटर दूरी पे खोदना शुरू किया इधर इधर, लेकिन इसे कहीं पे भी खजाना नहीं मिला। तब तक ये फिर आके एक्सप्लेन करता है कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था, लेकिन सोचिए इसने क्या एक बात ऐसी थी जो बी ने ए को नहीं बताया था। बात यह थी कि अगर बी उससे ये कहता कि मित्र इस पेड़ से आप इतने एंगल पे 10 मीटर की दूरी पे जाके या इतने डायरेक्शन पे 10 मीटर की दूरी पे जाके गड्ढा खोदो तो आपको खजाना मिलेगा, लेकिन ये चीज उसने नहीं बताई थी। तो पहले केस में